प्रचार हो रहा है, ऐसे में अफवाहों का दौर बहुत तेजी से उड़ता है। लोग कट पेस्ट करके पुरानी वीडियो क्लिप डाल के माहौल अपने पक्ष में करते हैं, इनको कैसे पकड़ेंगे? देखिए, इसमें ऑलरेडी सोशल मीडिया सेल हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप पे भी हमारे डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप बने हुए हैं, ट्विटर पे भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। तो जो भी सूचना किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरह की सूचना हमको देता है तो उस पर फिर हम विधिक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक हमने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, जितने भी गाँव वाले हैं उसमें 10-10 वॉलंटियर्स हमने बनाए हैं डिजिटल वॉलंटियर्स। तो उनसे भी प्रतिदिन हर एक गाँव एक कॉल एक बीट कॉन्स्टेबल या स्कीम से लगातार कॉल करके जो ग्राउंड की सिचुएशन भी ली जा रही है, गांव में कोई विवाद तो नहीं है इस तरह का, या गांव में किसी प्रकार का कोई आपराधिक छवि का आदमी तो नहीं है, और वॉल पेंटिंग वगैरह भी अब कराई जा रही है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसमें सारे पुलिस वालों के नंबर वगैरह जो है 5,000 जगहों पर पूरे जनपद में लिखवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से इंटेलिजेंस हमारे पास में जैसे आएगी तो फिर मशीनरी को उसके हिसाब से एक्टिवेट करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इंतजाम रहेंगे उन लोगों के जो चुनाव में गड़बड़ी फैलाते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि कुछ इंसिडेंट फिरोजाबाद शहर में पहले ऐसे देखे गए हैं? देखिए, उसमें ऑलरेडी ये जो एक्सरसाइज है प्रिवेंटिव एक्सरसाइज ऑलरेडी चली रही है, 107-16 वगैरह, और जो गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई है वो सारी कार्रवाइयाँ हम लोग कर ही रहे हैं। तो उसमें ऐसे तत्वों को जो है चिन्हित किया गया है, और वो किसी भी पार्टी के हों उसमें यदि वो किसी प्रकार का गलत काम करेंगे तो उसके खिलाफ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। शराब और सत्र को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, क्या प्रगति है और कितने इलाकों में भी और कार्रवाई बाकी है? देखिए, अभी रिसेंटली 4 शस्त्र फैक्ट्रियाँ लगभग पकड़ी गई हैं, और शराब में भी ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद से 7,000 लीटर के आसपास जो है शराब यहाँ पे पकड़ी गई है। रिसेंटली भी हमने जो है वो काफ़ी इस पे कार्रवाई की है। तो लगातार इसमें हमारा ये रुझान है कि यदि कहीं कोई शस्त्र पकड़ा जाता है तो वो शस्त्र किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा जो है वो ख़रीदा गया या किसने बेचा, वो सभी लोगों को जो है पूरी चेन को वर्कआउट किया जाए, इस तरीके से ही पूरी कोशिश की जा रही है। आसपास के जनपदों को भी सूचना शेयर की जा रही है जहाँ से यदि इस तरह की कोई चीज़ आती है तो।